He was very much in love with kids. मतलब इतने बच्चों से इतना प्यार करते थे वो कि अपने काम से अपना मतलब रखते थे और फिर उसके बाद वो आते थे घर पे और बच्चों के साथ ही मतलब उठना बैठना खेलना कूदना सब मतलब अपने बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे वो. Daddy was once upon a time very fond of food. उनको खाने का बहुत शौक था तो दूध वाला आता था शाम में तो करीब हमारे यहाँ अपने करीब 5-6 बोतलें आती थी तो ये छोटी सी एक बात बता रहा हूँ मैं तो जब गेट से घुसता था तो पीछे की तरफ किचन था तो जब आता था तो डैडी देख लेते थे तो बुलाते थे इधर वो ही कच्चा इतना शौक था उनको कि कच्चा ही दूध 2-3 बोतल पी लेते थे और बोले जाओ जाओ तुम फिर आगे जाते मम्मी पूछती थी क्यों आज 2 बोतल लेकर आए बोले वो साहब ने 3 बोतल पी लो फिर ऐसी ऐसी मतलब बच्चों की तरह जैसे हरकतें करते थे डैडी जैसे ये गाना था अपना बाबुल की दुआएं लेती जा उसमें एक्चुअली डैडी ने वो गाना में एक्चुअली रियली रो दिए थे क्योंकि और रवि साहब ने रवि साहब की म्यूजिक थी उसमें तो उन्होंने फर्स्ट टेक पे ही ओके कर दिए थे तो उन्होंने पूछे मेरे मामू से कि बोले यार रफी साहब तो वाकई रो दिए एक्चुअली क्या हुआ था कि एक दिन पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई थी और उसी वक्त विदाई हुई थी डैडी ने विदाई के टाइम पे रोए नहीं थे लेकिन ये गाना गाने वक्त उन्होंने वाकई में मतलब आंसू आ गए थे उनके और वाकई रो दिए थे गाने पे तो वो गाना एकदम मतलब नेचुरल हो गया था वो तो इसीलिए मतलब लोगों को ज़्यादा पसंद भी आता है वो गाना और दूसरी बात ऐसी थी कि मतलब जब भी डैडी वॉज वेरी गॉड फियरिंग ही वॉज वेरी गॉड फियरिंग वो तो कुदरती देन थी उनकी वो खुद कहते थे ऐसा होता था कि मतलब जैसे कभी रिकॉर्डिंग होती थी तो कभी कोई कह देता था कि रफ़ी साहब क्या गाना गाए आपने तो डैडी ऐसे कहते थे मतलब वो उंगली उड़ियाती थी कि मतलब ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है ऊपर वाले की देन है बस जहाँ बात आती है एज अ सिंगर ही वॉज अ फिनोमिनल नो डाउट अबाउट इट क्योंकि जो वैरायटी उनमें थी मैंने जब से मैं अपना होश संभाला हूँ पुराने से पुराने और नए से नए मैं समझता हूँ मैंने वो वैरायटी नहीं देखा गाने फेवरेट है उनके तो अब मैं क्या बताऊँ क्योंकि अपने उनके आप बताइए कि मैं अगर कहूँगा कि मतलब ये गाना अच्छा है तो आप कहेंगे नहीं ये भी गाना अच्छा है और फिर मैं कहूँगा नहीं ये भी गाना अच्छा है तो मतलब जरा ऐसे निकलते निकलते हज़ारों गाने निकल जाएंगे तो फिर फेवरेट तो खैर All his songs were very good. They were great. Landmarks. Yeah. मतलब एक गाना आप मेरे को बता दीजिए कि रफी साहब ने कोई गाना ऐसा है जो कि अच्छा नहीं लगा मुझे अब मैंने तो नहीं सुना अभी तक तो आई रियली डोंट नो शाहिद करके बुलाते थे या तो फिर शाह करके जैसे प्यार से अपने शॉर्ट फॉर्म तो ऐसा शाह या मतलब ही वाज सो सॉफ्ट लेकिन कभी कभी यहाँ आओ भी सुनाई नहीं देता लेकिन जब वो एक बार शाह बोल देते समझ गए कि डैडी बुला रहे हैं तो जाते थे फिर बोले देखो सुनो मैंने एक गाना गाया आज देखो बैठो बैठो सुनाता हूँ मैं क्या गाना गाया तो ऐसा करके वो अपने इतने ही वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन तो मतलब कभी कभी हम लोग कान लगाना पड़ता है डैडी